नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का श्रीकांत ब्लॉग में स्वागत है। और मैं अपने बच्चों को और कन्या साडा के बच्चे मिलकर हम आए थे हाइक प्रोग्राम में, स्काउटिंग का प्रोग्राम, और वो कार्यक्रम चल रहा है। मैंने नाले में इन लोगों को कुछ इस तरह से मछली पकड़ते देखा। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग हैं वो किस तरह से मछली पकड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर जाना होगा, फिर मैं इनके पास आऊँगा। देखिए, ये लोग अभी इस साइड हैं और मैं ले चलता हूँ आपको ऊपर, और तब आपको पता चलेगा कि मतलब मछली किस तरह से पकड़ा जाता है बिना जाल के। कुछ इनके पास बाल्टियाँ हैं, मोरी है, तगाड़ी है, और जाल बिल्कुल नहीं है। तो बिना जाल के भी ये लोग मछली कैसे पकड़ते हैं वह मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें कुछ ज़्यादा ही दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर इनका बंधान है नाले का वह थोड़ा ऊपर है। यह हम पहुँचने वाले हैं यहाँ। यह देखिए, ऊपर से बहती नाला आ रही है, और यहाँ पर जो है पूरा जो नाला है उसको पूरे इस साइड से राइट साइड ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है, और पानी के बहाव को लेफ़्ट साइड इधर डाइवर्ट किया गया है ये। और इधर देखिए, इधर पूरे सूखा जगह है, ये देखिए। और लोग क्या कर रहे हैं, पानी का बहाव इधर हो गया, इधर पानी आना बंद हो गया, तो अब इधर से पानी जो है धीरे धीरे कम हो गया। अब कम होते चला तो क्या हुआ, ऊपर से थोड़ा थोड़ा जगह बांध कर पत्थर हटाते हुए लोग मछली पकड़ने लगे, और अब वो पहुंच गए हैं उधर बहुत दूर। तो जंगल में कुछ इस तरह से होता है मछली पकड़ने का काम। और देखिए, पानी इधर बह रहा है और इधर नाला सूखा हुआ है, दो साइड डाइवर्ट। तो क्या करते हैं लोग, यहाँ देखिए एक बंधान यहाँ है, या तो यहाँ पर एक बार बांधे, फिर ऊपर का जो पूरा पानी है वो खाली किए, वहाँ से पूरा मछली पकड़े, फिर चले गए नीचे, ठीक है, उस सेक्शन से मछली पूरा ख़त्म हो गया। अब नीचे आएंगे तो फिर क्या है, नीचे में फिर देखिए एक बंधान यहाँ पर, यह आपको बंधान दिख रहा है, फिर इस भाग का पानी खाली किए, यहाँ से मछली पूरा निकाले, और फिर चले गए थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे मतलब यह बंधान। इस बंधान में फिर वही काम उन्होंने किया, इस जगह का पानी खाली किया और यहाँ से सारा मछली उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, नीचे चलते हैं। इनके पास जैसे मैंने बताया कोई जाल नहीं है। अब क्या हुआ है, यहाँ देखिए, क्योंकि अब सबसे नीचे वाला भाग वो मछली पकड़ रहे हैं, तो यहाँ से पूरा पानी रोक दिए हैं, ठीक है, इस भाग का पानी, और ये जो जगह देख रहे हैं ये पूरा पानी से खाली हो गया। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पूरा पानी खाली होने के बाद पत्थरों को हटाएंगे, कीचड़ हटाएंगे, और उसके नीचे से फिर मछली पकड़ते हैं। जैसा ये भाई देखिए, यहाँ से पूरा पानी खाली हो गया और वो अब कीचड़ को भी हटा रहा है और फिर मछली पकड़ेगा। यहाँ पर कुछ मछली है और आगे और भी बर्तन हैं इनके पास। ये मैं ढक मछली नहीं है, यहाँ देखिए खूब सारा मछली और केकड़ा, और यहाँ भी है, ये टिफ़िन बॉक्स है, इसमें भी खूब सारा मछली और केकड़ा है। और इस वाले भाग का भी मछली पकड़ना बाकी है। कैसे जी, ये वाला नहीं पकड़े है ना अभी, यह बचे है, ठीक, बहुत अच्छा। तो और कहीं मछली पकड़े जाइए कि बस घर जा, घर जाइए, बहुत टाइम हो गया, कर देव नहीं, ठीक ठीक। तो ये देखिए छोटी बच्ची मछली पकड़ने आई है, और वो मुन्ना वो भी, और उधर गुड़िया मछली पकड़ रही है। तो ये जो लोग हैं ये छाता सरई के हैं,
और छाता सरई से पहाड़ से नीचे उतरकर हमारे गांव गढ़कटरा के नाले में मछली पकड़ रहे हैं। इनके साथ ये पालतू जानवर है और जंगलों में आप अक्सर देखेंगे कि लोग बाघ जंगली जानवर से बचने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई एक कुत्ता पाल के ही रखते हैं। तो का नाम है कुत्ता के? कल्लू। अरे बेटा देखिए कल्लू है, कल्लू। अरे कल्लू की मम्मी पापा। तो ऐसे मछली पकड़, देखिए छोटी बच्ची अपना बर्तन ली है और फिर पानी निकालने का काम कर रही है। इधर एक और बड़ी बच्ची है जो फावड़ा से मिट्टी से बांधने का काम कर रही है, और इधर दो नन्हे मुन्ने और हैं जो बस पानी निकलने की तैयारी में हैं और फिर उसके बाद मछली पकड़ेंगे। तो मतलब भालू वालू धर ही तो यह बचा ही नहीं। हाँ चल चल जल्दी पानी निकाल, पानी निकाल तब ना मछली खावे। शाबाश, बहुत सुंदर। अब देखिए धीरे धीरे यहाँ से भी पानी निकाल रहे हैं, बांध दिए। अब यहाँ से भी मछली पकड़ेंगे, फिर आएगी आखिरी, और उसके बाद फिर जो ऊपर में जो बांधा गया है उसे खाली छोड़ देंगे ताकि फिर से इसमें पानी आ जाए और कुछ दिनों में फिर से मछली आ जाए और फिर से वही क्रिया। तो इस तरह से हमारे जंगलों में मछली पकड़ने का काम चलता है, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है और समय भी लगता है, दोनों लगता है। क्योंकि लगभग 50 मीटर के दायरे को बांधा गया है, धीरे धीरे पानी खाली करके मछली पकड़ा जा रहा है। तो इसमें कितना बजे क्या है आप मन? 9 बजे से आए हुए हैं और अभी 3 बज रहा है, तो 6 घंटा हो गया इनको मछली पकड़ते हुए, पूरा दिन लगेगा। तो खाना वाना लेके आ रहा? हाँ। अरे वाह, मछली पकड़े पर भी खाना लेके, बढ़िया। आप देखेंगे कि जंगलों में अक्सर जो है लोग हैं जब मछली पकड़ते हैं तो उसे किसी को देते नहीं हैं, बेचते नहीं हैं। इसका कारण यह है कि जैसे मैंने बताया था कि सुबह से लगे हुए हैं, 9 बजे से आए हैं, 3 बज चुका है, बहुत ज़्यादा मेहनत है और मछली बहुत कम। तो जितना भी मछली इन्हें मिलता है वो खुद ही घर ले जाएंगे, बनाएंगे और आराम से खाएंगे। टिफिन लेके भी आए हैं, तो इससे समझ सकते हैं कि वो केवल आज का दिन 6 से 7 लोग मछली को पकड़ने को ही दे रहे हैं, और इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि लोग मछली नहीं बेचते। मैंने भी उनसे किसी तरह से मछली की मांग नहीं की, वो मुझे देखकर मछली छुपा रहे थे। मैंने कहा कि नहीं, मैं मछली लेने नहीं आया हूँ, मैं बस आपसे ये जो तरीका है वह देखने आया था, और मैं अपने जो व्यूअर हैं उनको यह बताने की पारंपरिक तरीके से गाँव में इतनी मेहनत से मछली कैसे पकड़ते हैं। तो आपने देखा कैसे हमारे जंगलों में पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ा जाता है। और इस ब्लॉग में बस इतना ही, अगले ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे किसी बेहतर दिन बेहतर माहौल में।